सुनन चले जाते हैं विस्तार से मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। मंदसौर के दलोदा में नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ करने का मामला आया सामने। पुलिस ने एक नाबालिग सहित 5 आरोपियों पर किया मामला दर्ज। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। थाना दलोदा में जो है कल नाबालिग पीड़िता के द्वारा अपराध पंजीकरण कराया गया है, जिसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। अब आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। मुरैना जिले में संघ के प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुरैना विभाग के कार्यकर्ताओं को 4 दिवसीय शिविर का आयोजन। मध्य भारत संघ का प्रांतीय सम्मेलन का आज समापन। समापन के बाद डॉक्टर मोहन भागवत दिल्ली के लिए रवाना। मोहन भागवत को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्यक्रम स्थल से मुरैना रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए किया रवाना। देवास जिले के हाटपिपिया में गांव चलो अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र के ग्राम देवगढ़ पर प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में विधायक मनोज चौधरी ने उपस्थित होकर ग्राम में स्थित मंदिर में दर्शन कर साफ सफाई में की सहभागिता। साथ ही बूथ के कार्यकर्ताओं से नमो ऐप डाउनलोड कर करवाया लॉग इन रजिस्ट्रेशन। बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में भी की संगठनात्मक चर्चा। शिवपुरी जिले के पिछोर थाना क्षेत्र अंतर्गत खंडोए गांव के पास जंगल में फर्शी पत्थर की अवैध खदान को लेकर दिन दहाड़े दो पक्ष में हुई फायरिंग। इससे पहले पथराव भी हुआ, जिसमें गोली लगने से एक व्यक्ति जख्मी, पथराव में कई लोग घायल। मायापुर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रास कायम कर मामला विवेचना में लिया। दतिया कोतवाली थाना पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शहर में अमन शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। खरगोन जिले के औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में चोरी करने वाली गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 6 आरोपी पुलिस की हिरासत में। साई मैजिक फूड कंपनी में चोरों ने चोरी को दिया था अंजाम। ये था आपका अपडेट। लगातार अपडेट्स के लिए हमारे साथ।